जिला मुख्यालय जांजगीर क्रिकेट ग्राम मुनुंद में पावन पर्व गौरा गौरी विवाह आयोजन सहित मड़ाई मेला और रावत नाचा महोत्सव का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया गया था, जहां पर ग्रामवासी ही नहीं बल्कि आसपास के सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों से जन सैलाब उमड़ा। बीच मेला और यहां पर रावत नाचा महोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां बताते चले कि इस आयोजन में ग्रामवासियों सहित आयोजकों ने चांपा पालिका क्षेत्र वार्ड नंबर 16 के कर्मठ और जागरूक पार्षद कामेश्वर धेय को आमंत्रित किया था, जहां उनके पहुंचने के पूर्व कई मीटर पहले ग्रामवासियों का जन सैलाब उमड़ कर इंतजार कर रहा था। जब पार्षद कैडी का आगमन हुआ तो ढोल ताशों सहित पटाखों के साथ उनका नारे लगाते हुए स्वागत किया गया। इस आत्मीय स्वागत सत्कार से पार्षद केडी आत्मबोध होने से बच नहीं पाए और आत्मबोध हो गए। उन्होंने खुले मन से इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वागत समारोह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्षद कामेश्वर धेय का अपने कार्यकर्ता सहित ग्रामीणों के बीच में लोकप्रियता का अंदाजा लगाना मुश्किल है, जिसके साथ ही में इसी के चलते ग्रामवासियों ने एक राय सहित एकता व्यक्त करते हुए पार्षद केरी को अपने बीच पाकर बड़ी उत्सुकता के साथ में उनका स्वागत सत्कार किया। विशेष रूप से इस प्रतियोगिता में विजेता टीम के प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले रावत नाचा दल को पार्षद केरी के द्वारा मंच से बुलाकर ढेरों शुभकामनाएं दी गई और वहीं उन्हें पुरस्कार भी दिया गया, वितरण किया गया। और ग्राम पंचायत मुनुंद में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पारंपरिक आयोजन किया गया, जिसकी तैयारियों में शिव शक्ति महिला स्वयं सहायता समूह और सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ताओं ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम को यादगार बनाने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, क्योंकि मड़ाई मेले में रावत नाचा महोत्सव में अपने लोकप्रिय नेता केडी की उपस्थिति से यह आयोजन अन्य वर्ष की भांति इस वर्ष दुगना यादों को संजोकर ग्रामवासियों को आत्मविभोर कर चुका है और वर्ष के गोरा गोरी विवाह मड़ाई मेला और रावत नाचा प्रतियोगिता कार्यक्रम में 6 से 7 हजार महिला पुरुष बच्चे आदि लोग उपस्थित रहे। जन सैलाब उमड़ता है। मैं सबसे शुरुआत में ग्रामवासी सरपंच महोदय जी, ग्रामवासी के समिति दीदी लोग, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे जैसा छोटा सा पार्षद एक ग्राम का मेरे को सदरमंत्रित किए और मेरे भव्य अच्छे से बहुत दिल से स्वागत किए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी भैया, जिस प्रकार से यहाँ पर ग्रामीणों ने काफी भव्य रूप से आपका स्वागत किया है, बाजे गाजे के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे इसे ग्रामवासियों को और बताएंगे? ग्रामवासी को एक ही बात कहना चाहूँगा कि संगठन सबसे बहुत बेहतरीन मेरे को लगा जहाँ आया हूँ मैं अभी, और सबसे अच्छा यहाँ का जो समिति का है और जो कार्य करवा रहे हैं भैया कश्यप जी हैं नाम, इस तरह से है कि सरपंच महोदय जी भी हैं। यहाँ सबसे शुरुआत में मैं चाहूँगा सबसे ज़्यादा प्रतिभा यहाँ के दीदी लोग को दूंगा और सबसे ग्रामवासी सभी लोग को बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित हुआ है, गोरा गोरी महोत्सव का कार्यक्रम था, मड़ाई मेला का कार्यक्रम था और रावत नाच प्रतियोगिता का कार्यक्रम। तो आज सब हमारे आज के मुख्य अभ्यागत सम्माननीय भैया केडी जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम हुआ है। भैया केडी जी उदय होते हुए सूर्य, उदयमान सूर्य, तो हम ऐसे नेता का समर्थन करते हैं, इसीलिए हम आज के मुख्य अभ्यागत के लिए सम्माननीय भैया जी का चयन किए हैं। आप उदयमान सूर्य हैं, उदित होते हुए सूर्य हैं, तो बहुत ही अच्छे नेता हैं, हमारे युवा नेता हैं, जागरूक हैं, हमारे सुख दुख के सहयोगी हैं, तो ऐसे नेता का चयन हो। इसीलिए देखा जा रहा है तभी क्षेत्र में तो बहुत सारे नेता हैं, मंत्री हैं, जैसा कि मैं बताया राजनीति से ऊपर उठकर सम्माननीय केडी भैया जी का जो व्यवहार है राजनीति से ऊपर उठकर, आज राजनीति में वही मैं बोला कि जो अस्त होते हुए सूर्य है उससे कहीं हमने अच्छा समझा कि उदय होते हुए सूर्य को हम सम्मान दें, तो केडी भैया जी में वो सब गुण हमें दिखे, इसलिए हमने केडी भैया। मेरा नाम अनिता कश्यप है, मेरा ग्राम मुनुंद से हूँ, समूह का नाम है सखी सहेली महिला स्वास्थ्य सहायता समूह, महिला समूह के अध्यक्ष हूँ। हमारे गांव में श्री माननीय धर्य कामेश्वर का हमेशा धर्य केली जी पधारे हैं, उसके हाथी का भी अभिनंदन करती हूँ और हमारे गांव में राउत नाचा हो रहे हैं, इसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं और धर्य केली जी आए हैं। आज जो आपके मुनुन में जो कार्यक्रम हो रहा है, आज मेला महोत्सव बताएंगे इस बारे में? मैं राम कृष्ण कश्यप ग्राम पंचायत मुनुंद का वरिष्ठ नागरिक हूँ और हमारे जो भैया है कामेश्वर धैर्य जी, केडी भैया जो है
वो जो है दूसरे नेता लोग सुख में आते हैं, दुख में कभी देखते नहीं। और जो हमारे युवा बेटी भैया है, हर दुख में हर सुख में ना गरीब देखते हैं, ना अमीर देखते हैं, ना जात देखते हैं, ना पात देखते हैं। इसलिए हमने गाँव भर में उसके तहे दिल से स्वागत करते हैं और हमारे दुख सुख का सामना।